मेरे पास एक अकाउंट है जिसमें मेरे पास डोमेन्स भी पड़ी हुई हैं कुछ क्लाइंट्स की और पोस्टिंग भी पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो हम उस अकाउंट को विजिट करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मैं उस अकाउंट को खोल लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास आईटी लिंक्स का भी अकाउंट है, उसमें भी हमारे पास एक डोमेन और होस्टिंग पड़ी हुई है, दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, वेब सोल को। इसे देखा जी, हमने खोला, देख रहे हैं आगे सर्विसेज डोमेन्स इनवाइस। इनवाइस तो सबको समझ में आ रहा होगा, क्या बिल आया होगा कोई, यानी कि मैंने जो डोमेन्स ली हुई हैं या होस्टिंग ली हुई है, किसी का पेएबल डेट आई होगी तो साथ इनवाइस आई हुई है कि आप अपनी पेमेंट क्लियर कर दें, साथ लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना कि आपकी एक ड्यू पेमेंट है इतनी, 11,000 की एक पेमेंट आपकी ड्यू हुई हुई है जी, आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक पे लिखा है सर्विसेज और एक पे लिखा है डोमेन। सर्विस जो है ये आपकी होस्टिंग है और डोमेन तो नाम से पता लग रहा है, और कई ऐसी कंपनीज होंगी जहाँ पर सर्विस नहीं लिखा होगा, होस्टिंग ही लिखा होगा, ठीक है? मतलब जहाँ पर होस्टिंग नहीं लिखा होगा वहाँ पर उन्होंने होस्टिंग को क्या नाम दिया होता है, सर्विस का नाम दिया होता है। मैं इसे खोलता हूँ जी, ये हमारे पास एक होस्टिंग है। मैं इसके डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, तो ये जो एक्टिव का बटन बना हुआ है, मैं इस पर डबल क्लिक, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वेबसाइट खुल जाएगी। मैंने कहा मैं इस हिस्से पे क्लिक करूंगा तो वेबसाइट खुलेगी, इस हिस्से पे क्लिक करूंगा तो ये आगे से डिटेल्स आएंगी मेरे पास। मैंने एक्टिव पे क्लिक किया, आगे अब ये थी हमारी होस्टिंग का कंट्रोल पैनल, डोमेन भी यही पड़ी हुई थी, लेकिन जहां पर हमारी वेबसाइट्स और डेटा अपलोड होना है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन है, और इसको हम बोलते हैं सी पैनल। यानी कि आप समझ लो सी पैनल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जाकर हम सारी अपनी सेटिंग्स कर रहे होते हैं। होस्टिंग का जो अकाउंट है वो क्या दिखा रहा था, वो सिर्फ दिखा रहा था कि ये आपके पास सर्विसेज हैं, ये आपके पास डोमेन है, बस ये दो चीज़ें दिखा रहा है मुझे। वो डिटेल्स आ रही होंगी, ये पता लग रहा होगा कि ये डोमेन की ड्यू डेट क्या है, रिन्यूअल कब होनी है, कितनी देर के लिए मैंने इसको बाय किया हुआ है, होस्टिंग को कितनी देर के लिए बाय किया हुआ है, लेकिन जो हमने अपनी वेबसाइट का काम करना है वो किस जगह पे करने जाके काम, वो काम सारा हमें सी पैनल के अंदर जाके करना है, ठीक है? तो यहाँ से हम सी पैनल में आ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है लॉग इन टू सी पैनल, इस पे क्लिक करते हैं। ये है वो सॉफ्टवेयर जिसमें जाकर हमें काम करना है। अब हम इसमें पहला काम करने जा रहे हैं आज, जो क्योंकि हमने वेबसाइट बनाई है, अब हमने वेबसाइट को अपलोड करना है, ठीक है ना? वेबसाइट को अपलोड करना है ना आप लोगों ने। वेबसाइट को अपलोड करने के लिए यहां तो आपको डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, होस्टिंग भी परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है? सो मैं अभी आपको, मेरे पास जो होस्टिंग और डोमेन है, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसमें आप, अब डोमेन तो आप इसमें नहीं कर सकते लेकिन सब डोमेन तो हम बना सकते हैं। आप जब भी कोई होस्टिंग बाय करते हैं तो उसमें कुछ सब डोमेन्स की ऑप्शन हमें मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है कि भैया आप अपनी सब डोमेन्स भी यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हम इसको देखते हैं, इस वक्त मैं जिस होस्टिंग में हूँ, देखते हैं कि इसमें कौन सी सब डोमेन्स हैं और कितनी हैं। जरा नीचे आ रहा हूँ मैं, देखिए ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कितनी सब डोमेन्स आप बना सकते हो, 5, और कहते हैं आप 3 अभी तक बना चुके हुए हो। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एड ऑन डोमेन। अब ये एड ऑन डोमेन्स का क्या मतलब है कि ये हमारा जो पैकेज आपने देखा था ना, इसकी जो प्राइस आ रही थी वो तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये की एनुअल फीस है इसकी। तो इसके अंदर उन्होंने ये ऑप्शन हमें क्या दी हुई है कि आप इसके अंदर टोटल 5 डोमेन्स इस होस्टिंग के साथ लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बेसिकली है क्या, होस्टिंग अलहदा है, डोमेन अलहदा है। मैंने डोमेन अलहदा बाई की हुई है 5, होस्टिंग अलहदा बाई करनी पड़ेगी मुझे, बेशक एक ही कंपनी से ले लूं, बेशक दूसरी कंपनी से ले लूं, लेकिन बाय अलग ही करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है? यानी कि प्राइस उसकी अलग है। अब मैंने होस्टिंग का एक ऐसा पैकेज लिया हुआ है जो मुझे कह रहा है कि भाई आप इसके साथ एक डोमेन नहीं बल्कि एक से ज्यादा डोमेन्स लगा सकते हो, तो उसका फायदा क्या होगा मुझे, 5, देखे ना वो क्या कह रहा है, टोटल कितनी ऑप्शन दे रहा है हमें, 5 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 5 होस्टिंग्स बाय नहीं करनी, ऐसे ही है ना, अदरवाइज तो मुझे 5 डोमेन्स के लिए होस्टिंग बाय करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी इसी होस्टिंग के साथ 4 और डोमेन्स भी अटैच करा सकता हूँ। हाँ जी, नहीं, मेन डोमेन, ये तो एड एंड डोमेन का मतलब है मेन डोमेन, सब डोमेन का मतलब है सब डोमेन। एड एंड डोमेन का मतलब क्या है कि मेरे पास एक डोमेन है najeebsolutions.com, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास फैसिलिटी तो है, मैं इसको अटैच कर लेता हूँ इसके साथ। मेरे पास एक डोमेन है abc.com, मैं कहता हूँ इसको भी इसके साथ लगा लो। मेरे पास एक डोमेन है xyz.com, पैकेज में आ रही है ना ये मेरे पास। अब इसका मतलब है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इनको अटैच करना पड़ता है आपस में, यानी कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये वाली डोमेन कौन सी होस्टिंग यूज कर रही है, ऐसे ही है ना, हमें ये बताना पड़ता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। सबसे पहले हम देखते हैं कि
सब डोमेन बननी कैसे है। अब इस वक्त मैं आपको सी पैनल में लेकर आया हूँ तो सिर्फ टारगेटेड लेकर आया हूँ क्या करने के लिए, सब डोमेन बनाने के लिए। ठीक है, सब डोमेन कैसे बनानी है, विंडो में जैसे आप सब फोल्डर बनाते हो और सब फोल्डर बनाते हो, सेम वही तरीका, लेकिन आना यहाँ पर है आपने पहले, और यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है जी, डोमेन्स किधर गई हैं, निकल गई हैं जी, ये आ गई डोमेन्स, और ये क्या है, यहां से आकर आपने सब डोमेन पे जाना है। अब आपको सब डोमेन और एड ऑन डोमेन, इसका फर्क पता लग गया ना, क्या है एड ऑन डोमेन का क्या मतलब है कि होस्टिंग का पैकेज जो आपको चॉइस देता है ना कि इसमें और डोमेन लगा लो, वो एड ऑन डोमेन में आ रही होंगी, और एक आम जो पैकेज होगा उसके अंदर एड ऑन डोमेन मोस्टली केसेस में तो नहीं होगी। मतलब मैं अपने लिए सिर्फ होस्टिंग बाय करूंगा तो मैं तो कहूंगा ना इतने पैसे ना लगे, मतलब मैं कहूंगा भाई 11,000 ना लगे, 3-4 हज़ार रुपये में पैकेज मिल जाए मुझे, मेरी तो एक ही डोमेन है, मुझे तो बार बार इतनी सारी डोमेन्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो अब हम यहाँ पर आए हैं, ये देखें ऑलरेडी जरा देखें यहाँ पर क्या ऑलरेडी क्या सीन चल रहा है, ये लिखा हुआ है अल्लामा पीर शफात रसूल, फिर लिखा हुआ है नजीब सॉल्यूशंस, और फिर लिखा हुआ है स्टार्स एकेडमी। अब ये क्या है, ये तीनों सब डोमेन है, हालांकि अगर मैं आपको बताऊं इनमें से सिर्फ एक सब डोमेन है। अब आपने ये कॉन्सेप्ट भी समझना है, मैं क्या बात करने लगा, मैं ये कह रहा हूँ ये तीनों यहाँ पर सब डोमेन शो हो रही हैं, लेकिन इनमें से अगर मैं यहाँ आकर देखूँ, देखिएगा मैं यहाँ टाइप करता हूँ, मैं लिखता हूँ नजीब सॉल्यूशंस, तो आपने इसका URL देख के मुझे बताना है कि आपको ये, बेशक इसमें वेबसाइट कोई नहीं है, लेकिन आप इसमें वेबसाइट नहीं है, कोई वेबसाइट लाइव नहीं हुई हुई, मगर इसकी होस्टिंग इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, तभी ये मैसेज दिया ना मैंने, यानी कि होस्टिंग में यूज कर रहा हूँ इस डोमेन में। अब इस डोमेन का नाम क्या है, आपको लग रहा है कि डोमेन है कि सब डोमेन है, ये डोमेन है क्यों, ये डॉट कॉम आ रही है और ये मेन है नाम, डॉट नहीं आ रहा ना शुरू में, यानी कि शुरू में हमने इसका कोई पार्ट लैदा नहीं किया हुआ। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ दूसरी पर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एडिंग डोमेन लगाई हुई है इसमें, मैं क्या एक एडिंग डोमेन इसमें लगी है नंबर टू, दूसरी आ रही है इसमें अल्लामा पीर शफात रसूल वाली, इसमें भी एंटर करते हैं। अब ये भी हमें पता लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं नहीं फ्री नहीं दी हुई, ये भी हमने एडिंग डोमेन लगाई हुई है इसकी, यानी कि हमने क्या किया हुआ है, इसकी भी डोमेन परचेज की, सपोज होस्टिंग परचेज नहीं की, होस्टिंग उसी की इस्तेमाल कर ली क्योंकि उसमें एडिंग डोमेन की ऑप्शन थी हमारे पास। और तीसरे नंबर पर क्या आ रही है, स्टार्स अकेडमी आ रही थी, देखिए आप आगे मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, ये मेन डोमेन है कि सब डोमेन है, सबको पता लगेगा कि ये सब डोमेन है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर मुझे वो शो कर रहा है तीन सब डोमेन्स, लेकिन बेसिकली इन तीन सब डोमेन में से सिर्फ एक सब डोमेन है, बाकी की एड एंड डोमेन है। यानी इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने जब एड इन डोमेन भी लगाओगे तो बेसिकली वो उधर जाकर एज ए सब डोमेन शो होगी, उसके लिए वो सब डोमेन है लेकिन हमारे लिए वो क्या है, एड इन डोमेन है। यानी कि सब डोमेन और एड इन डोमेन को सी पैनल एक ही तरह ट्रीट कर रहा होगा, लेकिन क्लाइंट्स के लिए ये अलग है, क्लाइंट्स के लिए ये मेन डोमेन है, हम जब बना रहे हैं तो बनाने के लिए ये सब डोमेन है, लेकिन जब इस्तेमाल हो रही है तो ये बिल्कुल मेन डोमेन अलहदा बनी हुई। ये कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि एड इन डोमेन भी एज ए सब डोमेन ही एड होती है, मतलब एड करूंगा मैं एड इन डोमेन लेकिन बन क्या रही होगी, वो सब डोमेन बन रही होगी। चलो ठीक हो गया, खत्म होगी बात ये वाली, वापस आ जाए। अब हम एक और सब डोमेन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं एक सब डोमेन और बनाने चाह रहा हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ, चलें जी इसका नाम रखते हैं हम, ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, नजीब एंड सन्स लिख दिया मैंने, नाम लिखा ये। अब मैं क्या बना रहा हूँ, वाकई सब डोमेन बना रहा हूँ यहाँ पे, हाँ नजीब एंड सन्स लिखा और आगे क्या लिखा आ रहा है, नजीब एंड सन्स डॉट इसहाक आई हॉस्पिटल डॉट कॉम, ऐसे ही है पूरा नाम तो यही बनेगा ना, नजीब एंड सन्स डॉट इसहाक आई हॉस्पिटल डॉट कॉम और क्रिएट, ये क्रिएट का बटन प्रेस कर दूंगा यहाँ से। ये कहाँ पर है, ये प्रैक्टिस आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं ना, ये आप लाइव देख रहे हैं, ये आप वेब सोल का मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है, होस्टिंग का अकाउंट, वहाँ पर जाकर हम सब डोमेन बना रहे हैं, ठीक है। तो सब डोमेन के कॉन्सेप्ट को समझना हो, या तो आप डोमेन परचेज कर लें,
विद सब डोमेन्स, फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्रिएट का बटन प्रेस करते हैं, हो गई। क्या कहते हैं, सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये सब डोमेन क्या बनी है, इसका क्या नाम होगा इस सब डोमेन का, नजीब एंड सन्स डॉट डॉट इसहाक अय्याज हॉस्पिटल डॉट कॉम, ठीक है। इधर देखते हैं क्या हुआ, इधर आकर देखें लाइव क्या हुआ है, नजीब एंड सन्स डॉट इसहाक अय्याज हॉस्पिटल डॉट कॉम। हाँ जी देखें क्या, हाँ इसलिए कि अभी हमने सब डोमेन तो बना दिया है मगर इसके अंदर कोई फाइल ही नहीं है अभी तो, ठीक है, सिर्फ सब डोमेन बनी हुई है, ठीक है। चले अब हम आ जाते हैं वापस इस पे, गो बैक, पीछे आ जाए स्टेप और जरा देखते हैं इधर क्या हुआ है। नीचे बन गई एक सब डोमेन, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इधर वापस मेन्यू में, ये मेन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करें, वापस आ गए। यहां से अब आ जाएं वापस फाइल मैनेजर में, जी आगे। अब हमने एक सब डोमेन बनाई, जब मैं बना रहा था तो कह रहा था ना पब्लिक एचटीएमएल के अंदर बनेगी, था ना एक मेन्यू, इसे खोल लेते हैं फिर जी। नाम क्या रखा था, नजीब एंड सन्स, ये अभी फिलहाल मैं क्या करने लगा हूं, जो काम आपको आता है ना मैं उसी तरह करके एक फाइल बनाने लगा हूं, यानी कि मैं आप समझो कि अपनी वेबसाइट का होम पेज बनाने लगा हूं। वैसे तो हम ऑफलाइन काम करके पूरी वेबसाइट अपलोड करेंगे ना, अभी सिर्फ सैंपल के तौर पर आप समझ लें कि मैंने नाम बाय कर लिया और अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट जो है वो इन प्रोग्रेस है, हम बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स की फाइल, ऐसे ही है ना, इंडेक्स की फाइल दूंगा तो ऑटो मैसेज चला जाएगा ना मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या बनाना है, इंडेक्स की फाइल बनानी है, ठीक है। सो ये फाइल का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूं, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख दिया, क्रिएट जी, आ गई। इसे डबल क्लिक करें, सॉरी ये तो डाउनलोड होगी, इस पर राइट क्लिक करें और इसे एडिट कर लेते हैं, ठीक है। एडिट का बटन दबाया मैंने, आगे कोडिंग में, सिंपल जैसे आप नोट पैड पर अपनी कोडिंग कर रहे थे, मैं सिंपल सी एक कोडिंग करने लगा हूं, एचटीएमएल लगा सकते हैं, बिल कॉपी पेस्ट नहीं, अपलोड यहां बनाऊंगे, अपलोड कर दूं, अपलोड कर दूं, अपलोड कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर तो जो भी लिखेंगे तो हम आ जाएगा, चले पहले यूं करते हैं, यहाँ पर भी बना लेते हैं, हाँ, और अपलोड भी कर लेते हैं बाद में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, कुछ नहीं लिख रहा मैं ज़्यादा, और यहाँ लिख लेता हूँ वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया H3 के साथ We are coming soon. बन गई वेबसाइट, सेव का बटन दबाएं, अब इस पेज को रिफ्रेश करें, ठीक। अब ये ऑफलाइन नहीं है काम, ऑनलाइन है ना ये सारा, मैं कह ये सारा काम हमारा ऑनलाइन होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो एक फाइल पड़ी हुई है, हम उसी को अपलोड कर लेते हैं, इसे क्लोज करें जी। ये क्या लिखा हुआ है, अपलोड, मैं काम करता हूँ, फाइल नहीं अपलोड करता, पूरा प्रोजेक्ट ही अपलोड कर देता हूँ, वो जो हमारे पास प्रोफेशनल किचन का पड़ा हुआ है ना वो सारा यहाँ पर अपलोड करते हैं ताकि आपको पता लगे कि प्रोजेक्ट आपने कैसे यहाँ लेकर आना है। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट आपने जो ऑफलाइन काम करना है उसको आपने अपनी सब डोमेन में या मेन डोमेन, चाहे मेन हो या सब डोमेन हो, तरीका तो एक जैसे ही होगा ना, कैसे लेकर आना है आपने, यहाँ पर आए हम, यहाँ नहीं है, वन पर जाते हैं, G.
ये है जी प्रोफेशनल किचन और ये वेबसाइट। अब एक और चीज़ याद रखें, आपने जब देखें, अब मैं अगर फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा तो इस फोल्डर के अंदर तो इतने सारे फोल्डर्स हैं और इतनी सारी फाइल्स हैं, और ये भी हो सकता है कि उन फोल्डर्स के अंदर मजीद फोल्डर्स और फाइल्स हों, तो मैं जब किसी को सिलेक्ट करूंगा वो तो एक ही सिलेक्ट होगा, ये तो मैं लगा रहूंगा इस तरह करने में, बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, अपने फोल्डर को, अपने प्रोजेक्ट को जिप कर देते हैं पहले, जिप करके उसे अपलोड करते हैं और वहां जाकर उसे अनजिप कर देते हैं। समझ आ गई बात की? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंट्रोल पैनल में जिप करने का सॉफ्टवेयर पहले से ही मौजूद है और अनजिप करने का सॉफ्टवेयर भी पहले से मौजूद है। ठीक है, तो मैं इस फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, इस फाइल को, लो जी ये अपलोड होना शुरू हो गया। ये ग्रीन ब्लू कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, रेड कलर होगा। ब्लू का मतलब है कि अभी इन प्रोग्रेस है, ग्रीन का मतलब है कि अपलोड हो गई है, रेड का मतलब होगा कि कोई इशू आ गया। इशू क्या आ सकता है, आपके पास स्पेस ना हो तो भी इशू आ सकता है, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई वायरस वगैरह होगा तो भी इशू आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आया, वापस जाए, आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको जिप है, ये एक्सट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है, अनजिप करना है इसको। जरा ऊपर देखे इसके मेन्यू में क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये जिप करेगा और ये अनजिप करेगा। ठीक है, सो मैं इसे करता हूँ राइट क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जी पूछ रहा है कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँ, लाजमी बात है अपने प्रोजेक्ट में करना है ना, मतलब मैं नजीब एंड सेंस को यहाँ से हटा दूंगा, वो तो मेन पर चली जाएगी मेरी वेबसाइट, मेन पर तो नहीं रखनी ना हमने, इसके अंदर रखनी है, जो आपने सब डोमेन बनाई होगी उसी को आपको सिलेक्ट करना है। जी हो गई है, इस पेज को जरा एक दफा रिफ्रेश कर लो। पब्लिक एचटीएमएल में जाए वापस, फिर कहाँ आए, नजीब एंड सन्स में आए, आ गया। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को चलाकर देखूं तो क्या होता है, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला ना हमारे पास। ठीक है, क्यों नहीं चला, वेबसाइट तो अपलोड कर दी हमने, है ना, चला फिर भी नहीं, इसलिए नहीं चला कि मैंने जब इसको अनजिप किया तो यहाँ मेन पर नहीं आया, ये प्रोजेक्ट नहीं आया ना मेन पर, कहाँ आया, ये एक फोल्डर के अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एक बात ये भी याद रखनी है कि आपका प्रोजेक्ट सब फोल्डर में नहीं होना चाहिए, अगर सब फोल्डर में होगा तो आपको हर दफ़ा उसका पाथ बता के खोलना है। हम वेबसाइट को पाथ बता के तो कभी भी नहीं खोलते, हम तो लिखते हैं ना www.abc.com तो वेबसाइट खुल जाती है, इवन हम तो ये भी नहीं लिखते abc.com/index.html, ये भी नहीं लिखना होता हमने। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी इसको अनजिप करेंगे ये एक फोल्डर आगे जाएगा, आपको आगे क्या करना है, इसको वापस लेकर आना है। कैसे लेकर आना है, इसे खोले, यही है सारा, ये पूरे का पूरा आगे, एक एक करके नहीं ना लाना, सारा इकट्ठा लाते हैं ना, यहाँ लिखा होगा सिलेक्ट ऑल, ये इसको सिलेक्ट करें। अब हमें क्या करना है, अब कॉपी तो नहीं करना, मूव करना है ना, अब मूव करना है इसको, ये मूव का बटन मैंने होगा, यानी कि अब बेसिकली करना क्या है कि एक स्टेप आगे चले गए हैं तो एक स्टेप पीछे आना है वापस, इस मूव पर जाएं, कहाँ आना है हमें, नजीब एंड सन्स में आना है, लेकिन हम कहाँ पर हैं इस वक्त, तो मैं इसको एक दफा मिटा देता हूँ। ठीक है ना, बस स्लैश का तो मतलब है ना इसके अंदर ले आओ, इट्स फाइन, यानी कि जब भी आपने पाथ बताना होता है तो हम स्लैश करते हैं। ठीक है, गया यहाँ से अप वन लेवल, ये बिल्कुल विंडो की तरह चल रहा है, जैसे विंडो की सेटिंग करते हो आप लोग, वापिस आ जाए, अब वेबसाइट लाइव होगी। देखें है ना इसमें इंडेक्स की फाइल, यानी कि इसको चलने देते हैं अभी जरा, क्योंकि पहली दफा प्रोजेक्ट हो रहा है रन, तो अगर इसने रन होना होगा तो हो जाएगा अभी, कि अभी भी वही है, अभी भी वही है, दोबारा से रीलोड करें इसको, नहीं अभी देखें इसके इशू क्या, आपने डायग्नोज करना है इशू क्या,
ये इंडेक्स है एक। अब वन लेवल करके जरा देखें इस वक्त कहां पर है, वापस उस पे है ना जी मेंशंस पे। इसकी इंडेक्स फाइल की जरा जी ये क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट देखें जरा ये क्या चीज है। ठीक है ये कुछ नहीं है, वापस चले। असल में एक इंडेक्स फाइल पहले भी पड़ी थी ना वहां पर, अगर आपको याद हो है ना। इस वक्त देखिए यहाँ इंडेक्स कितनी है, नहीं इसको तो छोड़ ही देना, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कहीं कुछ भी नहीं है, ऐसी स्टूडेंट से बन गई होगी, इसे कंफर्म करके रिमूव कर देते हैं जी। अब कितनी है, एक ही है। चलिए एक काम करते हैं, इन सबको दोबारा से सिलेक्ट ऑल करें और इसको छोड़ दें सिर्फ, ठीक है ना। ये किसे छोड़ा मैंने, जो zip फाइल थी उसे छोड़ा और बाकी को मैं कर देता हूँ डिलीट। अच्छा जी डिलीट कहाँ पर है, ये सब कुछ ही चला गया। हाँ वो भी सिलेक्ट हो गया था बीच में, अच्छा चलो कोई बात नहीं। वंस अगेन इसे अपलोड करें, सिलेक्ट फाइल, अब तो वो भी चली गई है शायद, वो भी चली गई है ना सर। अब वेबसाइट को भी चला कर देखें, इसको अपलोड पे लगा दें, वो अपलोड हो रही है, इसको अब चला कर देखें अब क्या है। वापस एरर पेज आ गया, ठीक है। अब ये भी होने लगी है मुकम्मल, अब इंटरनेट स्लो हो गया, यानी कि ये हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया जी। डिजिटल मार्केटिंग की जो नई क्लास है ना वो 8 बजे शुरू होनी है, ठीक है, ये पुरानी है, वैसे बैठने तो बैठ जाओ बेशक, कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गए एकदम। चलिए इसको करने देते हैं काम, जो अगला टास्क है ना उसको हम शुरू करते हैं। अगला टास्क क्या है हमारा, यानी कि पहले मैंने आपको बता दिया वेबसाइट को अपलोड करना, ठीक है। अब अगला काम क्या है हमारा, अगला काम यह है कि हमने वेबसाइट को गूगल से अप्रूव कराना है, ठीक है। दो काम है हमारे, अब हम जब ऑन साइट एसईओ पढ़ रहे हैं तो ऑन साइट एसईओ में एक कहलाती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का क्या मतलब है, टेक्निकल एसईओ का मतलब यह है कि हम टेक्निकली कुछ काम करने हैं अपने, मतलब साइट मैप बनाना, यानी ऐसी है ना जैसे मैकेनिक कोई काम करता है, अब हमने कुछ काम मैकेनिक की तरह करना है एसईओ में, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ, ठीक है। अब टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम जो चीज़ें पढ़ने लगे हैं उन दो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि ये टेक्निकल एसईओ है फिलहाल। एक सर्च कंसोल बनाना, गूगल सर्च कंसोल बनाना, अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करना। इसकी आसान बात करें अगर हम, तो इसकी आसान बात ये है कि हम कह रहे हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट करना है, हमने अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट करना है ताकि गूगल को लगे कि हम इस वेबसाइट के ऑनर हैं, ठीक है। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, 34% हो गया है, इसे बंद कर दें फिर वो नए सिरे से शुरू करेगा। हाँ जी वो मैंने अब लगा दिया ना, अब आ गया, ठीक है। दिस वन, अच्छा एक और चीज़ देखी है अब आपने, उसे इनकार कर दिया करने से है ना, क्यों बोला पता है किसी को, इसलिए कि आईपी एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, उसे लगा कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, इंटरनेट चेंज हुआ है ना मेरा, जब मेरा इंटरनेट चेंज हुआ तो उसका आईपी डिफरेंट था, मेरे इंटरनेट का आईपी डिफरेंट है, तो ऐसा केस जब भी होगा तो वो आपको दोबारा से लॉगिन करने को कहेगा, ठीक है, नए सिरे से आप लॉगिन करके वापस आएँ, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कहाँ से आए थे, हम वहीं से आ जाते हैं, लॉगिन टू cPanel, ये भी शायद दोबारा लॉगिन करने को कहे, ये भी दोबारा लॉगिन करने को कह रहा है, लॉगिन आगे।
कहाँ जाएं? फाइल मैनेजर, फिर कहाँ जाएं? पब्लिक HTML, नजीब एंड सन्स में जाएं और यहाँ आकर इसको अपलोड कर लें। आई होप कब जल्दी हो जाना चाहिए। हो गया ना? यानी अब हम दूसरा काम क्या करने जा रहे हैं इसके बाद, फौरन बाद, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट करना है। इसके हमें बहुत सारे फायदे हैं। नंबर वन, सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमने अपनी वेबसाइट के एनालिसिस करने हैं, तो जब गूगल के पास जाएगा तो स्टैंडर्ड तो गूगल का यूज कर रहे हैं ना हम सारा, तो गूगल हमें बताएगा कि आपकी वेबसाइट कौन से स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतर रही है और कौन से स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब हम इसे बना लेंगे तो हमें टाइम टू टाइम सर्च कंसोल से अपनी चीज़ों को चेक करते रहना है। सर्च कंसोल हम बेसिकली करते क्या, मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। अब ये क्या मॉनिटरिंग हो रही होगी, बेसिकली ये मॉनिटरिंग सिर्फ गूगल की होगी कि भाई गूगल के पास चली गई है, क्या क्रॉल हो रही है, क्या इंडेक्स हो रही है, क्या मोबाइल पर ठीक चल रही है, क्या डेस्कटॉप पर ठीक चल रही है, अगर ठीक नहीं चल रही तो किस तरह के एरर्स आ रहे हैं, क्या हमारी वेबसाइट में वायरस है, हमारी वेबसाइट में कितने लिंक्स लगे हुए हैं, मतलब ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के पास सबमिट करना है, ठीक है। आगे जी, इसको राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट करें, जो काम हमने पहले भी किया था। ओके, अनजिप्ट होती है फिर तो डाटा खुल जाता है ना बेटा, फिर तो फोल्डर खुले हुए आते हैं ना अगर पहले से अनजिप्ट होती तो। अच्छा जी, इसको रिस्टोर करें, जरा रिफ्रेश करें, फोल्डर आ गया होगा अब आपके पास, पब्लिक HTML जी, ये जी। अब इसे खोल ले पहले, पूरे को नहीं ना करना, अंदर से डाटा उठाना है हमने सारा, सिलेक्ट ऑल, मूव, और इसको ले आए पीछे, सिर्फ नजीब एंडसेंस में, बस मैं क्या सिर्फ नजीब एंडसेंस में। इसी तरह अगर मैंने कोई और डोमेन सब डोमेन बनाई होती तो मैं सिर्फ उसके अंदर लेकर आता। चलो अप वन लेवल, ठीक है, होगी अब से। अब ये लाइव है इस वक्त, और ये किधर लाइव है, नजीब एंडसन इसाकाई हॉस्पिटल में लाइव होगी ये वेबसाइट, ठीक है। हालांकि ये वही वेबसाइट है जो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट में लाइव हुई हुई है ना, तो मैं इसको अभी रिमूव कर दूंगा ताकि कंटेंट डुप्लीकेशन का इशू हमें ना आए, क्योंकि डाटा उधर भी यही बताया ना। अच्छा अब आ जाते हैं, अगला टॉपिक क्या है, ये तो हमें सब, यानी हमने अभी क्या सीख लिया अभी तक कि वेबसाइट को हमने सब डोमेन में कैसे लेकर आना है, वेबसाइट का डाटा कैसे अपलोड होता है, ठीक है ना, और एडिट करनी भी आ गई हमें कि अगर हमें सी पैनल में एडिटिंग करनी हो तो हम सी पैनल में डायरेक्ट एडिटिंग कैसे करते हैं। अब हम कह रहे हैं हमारी वेबसाइट तो अपलोड हो गई है, अब हमने इस वेबसाइट को गूगल से अप्रूव भी कराना है, ठीक है। सो अब मैंने क्या खोलना है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल पे आ गए। सो इस टूल में मैं इससे मैं नहीं करता, इसलिए कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ मैं इससे नहीं करता। इसके सर्च कंसोल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेबसाइट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये देखें, अब हम क्या खोल रहे हैं, सर्च कंसोल खोल रहे हैं। सर्च कंसोल ने कैसे खुलना है, गूगल अकाउंट से खुलना है, यानी कि जीमेल से खुलना है। स्टार्ट नाउ, आगे देखें यहाँ पर कितनी लंबी जोड़ी लिस्ट है वेबसाइट्स की, है ना, ये सारी की सारी वेबसाइट्स अपलोड की सर्च कंसोल से अप्रूव कराई हुई है, ठीक है। और एक नीचे भी आ रहा है, देखिए नीचे का लिखा हुआ आ रहा है नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब क्या है कि ये भी मैंने अप्रूव कराई होंगी और फिर बाद में मैंने निकाल दी होंगी, तो इसलिए वो नॉट वेरीफाइड में चली गई। और ऊपर वाली कौन सी है, ये सारी वेरीफाइड है, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं करता क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स आ रही है, ठीक है, इसलिए मैं कहता कि मैं किसी और ईमेल में कर लेता हूँ, इसमें कर लेते हैं। क्या लिखूंगा मैं गूगल सर्च कंसोल, यहां से स्टार्ट करें इसको। अब आपने जब अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल बनाएंगे तो लाजमी बात है अगर आपने ये काम पहली दफा कर रहे हैं तो आपके सर्च कंसोल में तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, आपका सर्च कंसोल ऐसे आएगा, देखें जैसे मेरा सर्च कंसोल नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी कुछ नहीं है, नहीं है ना कोई प्रॉपर्टी, देखें पहले आ रही थी।
अच्छा, अब हमने अप्रूव कैसे करवाना है? इसको अप्रूव करवाने के दो मेथड्स हैं, एक है डोमेन लेवल और एक है यूआरएल लेवल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको पता लग रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या करवा कह रहा हूँ? वेबसाइट को गूगल से वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। गूगल से वेरीफाई करवाने के बहुत एडवांटेजेस हैं। इवन आप बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, अगर आपकी वेबसाइट वेरीफाइड हो और आप बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं और आप वो वेरीफाइड वेबसाइट लिखते हैं, तो वो आपका फटाफट जो है वो बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है। यानी कि उसको एक वोट मिल जाता है ना कि भाई ये तो ऑलरेडी गूगल के पास अप्रूव्ड है, तो वो उसकी लोकेशन को जल्दी से ऐड कर देता है। ठीक है, ये इसका साइट एडवांटेज है, जो कि हमें इसका साइट एडवांटेज मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीपल साइट्स पे लिखेंगे, मतलब एक बिजनेस प्रोफाइल में एक वेबसाइट को हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक डोमेन लेवल अप्रूवल है और एक यूआरएल लेवल अप्रूवल। इसमें क्या फर्क है? डोमेन लेवल अप्रूवल जो है ये तो होस्टिंग डिपेंडेंट है सारे का सारा। यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? होस्टिंग में जाकर बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं या कंपनी से करवानी पड़ती हैं। इसका फायदा क्या होता है हमें? इसका फायदा हमें ये होता है कि आपकी एक डोमेन है, उसके अंदर आपकी 10 सब डोमेन है। अब अगर मैंने एक को अप्रूव करवा लिया तो बाकी सारी ऑटो अप्रूव होंगी डोमेन लेवल पर। ठीक है, लेकिन जो यूआरएल लेवल है उसमें आपकी अगर आगे 5 डोमेन है, 8 डोमेन है, 7 डोमेन है, वो आपको हर डोमेन अलग-अलग अप्रूव करानी है। हम जो मेथड यूज करते हैं वो यूआरएल लेवल इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि जो डोमेन लेवल मेथड है ये होस्टिंग डिपेंडेंट मेथड है। इसके लिए हमें कंपनी वालों को भी कहना पड़ेगा, इस दौरान आपका आईपी एड्रेस भी चेंज होना होता है वेबसाइट का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट डाउन भी होती है कुछ देर के लिए जब ये काम करते हैं। ठीक है, इसे 48 to 72 hours भी लगते हैं। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक से वेबसाइट को यूआरएल लेवल अप्रूव करा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे साइट लिखूंगा, ऐसे ही है ना? क्या लिखना है मैंने साइट? बल्कि वो कहीं लिखी हुई है ना, उसको वहीं से उठा लें, यहाँ से उठा लेते हैं जी। ओके, और मैंने कहाँ लगा रहा हूँ इसको? यहाँ पे, और यहाँ लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। कंटिन्यू। क्या कह रहा है? वेरिफिकेशन कर रहा है। अच्छा, अब इसके भी यहां पर दो मेथड हैं जी। कौन से दो मेथड्स हैं? कहता है एक तरीका तो ये है कि आप अपनी वेबसाइट में जाकर, जहां की हमने वेबसाइट अपलोड की है, वहां पर जाएं, इस फाइल को डाउनलोड करें, छोटी सी फाइल को, और इसको अपनी वेबसाइट में जाकर अपलोड कर दें। उसके बाद आप वेरीफाई का बटन प्रेस करें तो गूगल आपकी वेबसाइट के अंदर ये कोड ढूंढेगा। अगर उसे मिल गया तो आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। एक तरीका। दूसरा तरीका वो क्या कहता है? दूसरा तरीका वो आपसे ये कहता है कि आपकी वेबसाइट का जो इंडेक्स की फाइल है उसके हेड पोर्शन में जाएं और ये नीचे वाला कोड है ना वो पेस्ट कर दें। कौन सा कोड वो भी देखते हैं। पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाए हमारे पास। हो गया डाउनलोड? अच्छा जी, नीचे आए जरा। आगे क्या लिखा हुआ है नीचे? ये टैग आ गया, इसे कॉपी करता हूं। क्या कह रहा है वो? करो क्या इसको? वो कह रहा है एक काम कर लो, यहां तो ये करो। पता लगा क्या किया मैंने? आप समझेंगे ये हेड पोर्शन है मेरी वेबसाइट का। हाँ, तो कहता है यहां तो अपनी इंडेक्स फाइल के हेड में जाकर ये कोड पेस्ट कर दें। तो यहां फाइल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता हो कि आप बार बार अपनी वेबसाइट का डाटा, जैसे मैंने अभी रिमूव किया फिर अपलोड किया, ऐसा किया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इस दौरान में अगर मैंने ये वाली फाइल रखी होती तो ये भी रिमूव हो जाती साथ ही। अगर ये रिमूव हो जाती तो मुझे दोबारा से बनानी पड़ती ना फिर वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन मैंने इंडेक्स के अंदर अगर कोड लिखा होगा तो उससे तो इससे इफेक्ट नहीं होगा। क्या ख्याल है? फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये हमने खुद से डिसाइड करना है कि हमने कहाँ पे रखना है। ठीक है, हम इसको अपलोड करते हैं। आ जाते हैं इधर वापस, जरा चेक करते हैं कहाँ पे आई होगी जी। डाउनलोड पे, डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, यहाँ देखिए। अच्छा, इस फाइल का नाम यही है तो इसके आगे 1, 2, 3 लिखा हुआ आना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले भी कहीं पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। देखो जरा गूगल के नाम की कोई फाइल है पहले? समझ आइए मैं क्या कह रहा हूँ?
ये वाला, इसको मैं रिमूव कर दूं क्योंकि मैंने पहले भी डाउनलोड किया होगा ना, तो जब ये दोबारा कॉपी करते हैं तो फिर नहीं आ जाती है उसकी। अब मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज ही अपलोड कर दूंगा तो ये वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है, ये उसने खुद से डाउनलोड किया ना, ये फाइल मैं उधर से लेकर आया हूँ, ये पूरा एक पैकेज है, इस फाइल के थ्रू मेरी वेबसाइट ने वेरीफाई होना है। तो ये मेरी वेबसाइट पे जाएगी उसी नाम के साथ जो उसने जनरेट किया था, तो तब होगा। ये तो डुप्लीकेशन तो मेरी विंडो की वजह से हुई है ना, जहाँ पे मेरी पहले से फाइलें मौजूद थी उस वजह से हुई है। तो मैं इसको रिनेम करता हूँ, रीनेम करके मुझे क्या करना है, वन को रिमूव करना है बस। ठीक है ना, आ गई। चलिए अब आ जाए वापस इस पे, वापस आ जाए इस पे, कहाँ पे है जी हमारा वो, यही था। ओके, ये नहीं था शायद, ये वाला था। ये यही लोकेशन है। हाँ तो देखें, इसमें पहले पढ़ा हुआ कोड नहीं है। ओके, अपलोड करें फिर। कहाँ पे रखा है जी हमने, डाउनलोड्स पे। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, ऐसी अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट सारा डाटा एक ही जगह पे रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे डिस्प्लेस फॉर्म में नहीं पढ़ाना चाहिए। वैसे डाउनलोड में आ गया, उसके बाद आप उसे कॉपी करके पहले अपनी वेबसाइट पे ले जाएं। इसका नेक्स्ट टाइम भी फायदा होगा कि अगर वहां से आप डाटा डिलीट करेंगे तो ऑफलाइन आपके पास पड़ा होगा। ठीक है, आ गई। इसका मतलब क्या, वेरिफिकेशन हो सकती है। अब वेबसाइट पे हमने कुछ नहीं करना, अब हमने कहां चले जाना है, सर्च कंसोल पे, और फिर क्या करना है, हमने वेरीफाई का बटन प्रेस करना है। क्या हुआ, ऑनरशिप मिल गई है हमें, यानी कि अब हमने गूगल को बता दिया कि भाई ये वेबसाइट हमारी ही वेबसाइट है। गूगल को भी यकीन आ गया, इसलिए कि उसने हमें जो कोड दिया था हमने उसे अपनी वेबसाइट पर दिया। उसके बाद उसने वेरीफाई करने के लिए वही वाला कोड हमारी वेबसाइट पर ढूंढा, उसे मिल गया, उसने कहा हाँ जी ये वेबसाइट आपकी है, मुझे यकीन आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं गो टू प्रॉपर्टी। गो टू प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा कि सर्च कंसोल के अंदर अब हम उस जगह पर चले जाएंगे जहां से हमने इसको चेक करना है सारा। आ जाते हैं इसमें जी, इधर है, खुल रहा है, आ गई। अब इसने क्या करना है, एनालिसिस करने है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं क्रिएट करूं और साथ ही एनालिसिस शुरू हो जाए। ऐसे ही टाइम लगेगा ना, 7 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, जितना टाइम गुजरता जाएगा एनालिसिस बढ़ते जाएंगे। अगर अब मुझे कोई इशू आएगा मेरी वेबसाइट पे, तो आपको इस ईमेल पे मैसेज भी आएगा कि आपकी वेबसाइट पे इस वक्त ये इशू चल रहा है, सर्च कंसोल पे जाकर चेक करें। समझ आई बात की, यानी कि मेल पे मैसेज आएगा कि ये इशू आया आपकी वेबसाइट पे, सर्च कंसोल में जाकर देखें कि क्या इश्यू है, फिर मैं इधर आकर देखूंगा। जी अब एक काम और कर लेते हैं ताकि दो टास्क हमारे उनको मिल हो जाए। साइट मैप, साइट मैप क्या होता है, जी साइट मैप अपनी वेबसाइट का हमने, ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। ठीक है, अपनी वेबसाइट का हमने साइट मैप बनाना है। साइट मैप बेसिकली है क्या, बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है, और अगर मैं इस साइट मैप को देखूंगा तो ये एक कोड होगा, कोई ग्राफिकल नहीं है। चाहे मैं किसी को गूगल मैप पे बताऊं रास्ता कि भाई इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, हाँ वो तो एक ग्राफिकल इंटरफेस में बता पाऊंगा, लेकिन ये साइट मैप क्या है, ये एक मुझे, मैं अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये मेरी एक वेबसाइट है, इस पर इतने मेन्यूज बने हुए हैं। ठीक है, इस हर पेज के ऊपर ये कॉन्टेंट है, लेकिन ये सारे का सारा डाटा किस फॉर्म में होगा, कोडिंग के फॉर्म में होगा। सो अब आपको ये पता लग गया कि ये साइट मैप यूजर के लिए नहीं है, ये साइट मैप यूजर के लिए बिल्कुल नहीं है, ये साइट मैप क्राउलर के लिए है, यानी क्राउलर को ये साइट मैप की जरूरत है। और ये बहुत अहम फैक्टर है आपकी वेबसाइट का एसईओ का, कि आपकी वेबसाइट का साइट मैप होना चाहिए और उसको आपने सर्च कंसोल में सबमिट भी करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें बनाना है, फिर सबमिट करना है। और आप सब चीजें देख रहे हैं, ये सारे काम मैं कैसे कर रहा हूं लाइव। ठीक है, इधर आए जी, साइट मैप पे जाते हैं। अब साइट मैप बनना कैसे है, मैंने कहा कोड है, तो आप परेशान हो रहे होंगे कि कोड कहां से आएगा, कैसे लिखेंगे हम, ये ऑटो जनरेट होगा। ओके,
यानी कि इसमें हमने कोड के ऊपर कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, हमने सिर्फ उन साइट पर जाना है जो साइट मैप जनरेट करती है, ठीक है। तो कैसे जाना है, देखिए मैं लिख रहा हूँ ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, लिख दिया जी, आ गया। कितनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, इनमें से जो भी अच्छी लग रही है मैं सबसे ऊपर वाली पे क्लिक कर देता हूँ। आगे यहां पर हम क्या एड्रेस देंगे, ओहो यहां पर दिया, मैं समझ रहा हूं वेबसाइट कॉपी हुई है हमारे पास, तो यहां से वेबसाइट ले लेते हैं। इस वेबसाइट को मैंने यहां से कॉपी किया, इधर आए और यहां लाकर पेस्ट कर दिया। यानी साइट मैप बनाने के लिए मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताना है सिर्फ इन साइट मैप जनरेटर्स के अंदर, ठीक है। और मैंने गूगल से सर्च किया है और उसके बाद मुझे जो पसंद आया वो था xml-sitemap.com। यहां पर आया हूं, यहां आकर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दिया है, स्टार्ट किया है, सिंपल बन गया, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। ये क्या कह रहा है, ये देखिए वेबसाइट नजर आ रही है आपको राइट साइड पे विंडो में, है ना, पिक्चर की सूरत में दिखा रहा है ना मैं वो। यहां पे आता हूं मैं इस पे और ये क्या लिखा हुआ आ गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं जैसे उसको किया था कोड को। लो जी साइट में भी ऑलरेडी लगता है वहां पड़ा हुआ है भाई, इसके साथ भी वन लिखा हुआ है ना, देखें जरा कहां है साइट में, ये इसको भी रिमूव कर देता हूं मैं। चलो ये साइट मैप है हमारा, अब मैं अगर इसको देखूं इसमें है क्या, देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए कोडिंग है सारी, हमें इसको ना पढ़ना है ना कुछ करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। पहले आपने क्या करना है, इसको वेबसाइट में अपलोड करना है, उसके बाद आपने इसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। यानी कि पहले अपलोड करना है फिर सबमिट करना है। पहले आपने साइट मैप बनाया है, साइट मैप बनाने के बाद आपने इसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, उसके बाद आपने इसे साइट मैप उसमें गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देना है, ठीक है। सो हम वापस आते हैं इधर, यहाँ थे हम लोग। चलो इतना कुछ आ रहा है, इन्हें बंद कर दूँ विंडोज को, जरा तक कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। यहाँ पर ऑलरेडी साइट मैप पड़ा हुआ है, देखें पड़ा हुआ है, इस वेबसाइट का ओरिजिनल पड़ा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करें जी, अपलोड सिलेक्ट फाइल, ये इसे भी अभी जरा चेक करना है कि क्या इस वेबसाइट का साइट मैप बन गया। नजीब एंड मेरा ख्याल है मैंने कॉपी किया हुआ था, है ना। अब साइट मैप कैसे चेक होगा, ऐसे देखें कैसे चेक हो रही है, वेबसाइट का नाम लिख के आखिर में लिख दिया साइट मैप डॉट xml, आ गया। इसका मतलब है साइट मैप भी सबमिट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको जाके गूगल में सर्च कंसोल में सबमिट करना है। वो कैसे करना है, ये फाइनल स्टेप देख लें, ये लिखा हुआ है साइट मैप। अब ये कहां पर हूं, मैं सर्च कंसोल में हूं और इधर आगे सिर्फ यहां पर क्या लिखूंगा, इसका फायदा क्या है बेसिकली, क्रॉलर को क्या एडवांटेज मिल रहा है, क्रॉलर को सारा पता लग गया आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर का। इसका फायदा ये है कि क्रॉलर का काम हमने आसान कर दिया, मतलब उसको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने में, ठीक है। इसलिए उसे पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पता लग गया। सबमिट, हो सकता है थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाए या कल को लाजमी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने कहा मैं अभी फेच नहीं कर पाया,
थोड़ी देर में हो जाएगा या कल हो जाएगा। अगर कल भी ना हो तो मैं ये साइट में ऐप दोबारा से सबमिट करूंगा, हो गया ना। डिस्कवर्ड यूआरएल्स, इसका क्या मतलब है? चार मेन्यूज हैं, यही मतलब है ना इसका, कि चार यूआरएल्स हैं ना इसके अंदर। कह रहे इसके चार मेन्यूज हैं, ये हमने काम कर लिया। और देखें जरा नीचे, और जो हमारे काम की चीज है वो क्या है? सेटिंग्स, जो अभी हमें फौरी तौर पर जिसकी जरूरत थी। अब सेटिंग्स में क्या चीज आ रही है आपके पास, ये क्या लिखा हुआ है? यूजर्स। अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो सर्च कंसोल है आप भी देख सकें। परमिशंस की बात हो रही है कि आप अपना जीमेल खोलें, क्लिक करें तो ये वाला सर्च कंसोल आपके पास भी। यूजर्स पे जाते हैं जी, ऐड यूजर, यहां पर मैं कहता हूं नजीब solutions.sales1@gmail.com। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्सेस लेवल रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि देख सकता हो, फुल का मतलब है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी कर सकता हो। ठीक है जी, मैं कहता हूँ फुल। एक पे लिखा हुआ है ऑनर, ये ऑनर कब बनाऊंगा? मिसाल के तौर पर मैंने किसी का काम किया, काम करके मैंने छोड़ दिया, तो मैं उसको ऑनर बनाकर खुद को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने कहा जी इसको भी ऑनर बना दो। मतलब ये नहीं कि दो ऑनर नहीं हो सकते, मैं भी ऑनर हो सकता हूँ, वो भी ऑनर हो सकता है, मैं चाहूँ तो अपने आप को रिमूव कर लूँ बीच में से। अब वो इस ईमेल पर मेल आई होगी, इस पर क्लिक करेंगे सीधा इस सर्च कंसोल में आ जाएगा। यानी दो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक स्टाफ टीम मेंबर है जो इस पर काम करने लगा हुआ, मैं उससे काम करवा रहा हूँ, तो मैंने सर्च कंसोल बनाकर उसको दे दिया। डेवलपर है वो हमारा, उसने सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि सर्च कंसोल के जो मेन इशूज़ हैं वो डिवेलपर से रेलिवेंट है, वेबसाइट की डिवेलपमेंट से रेलिवेंट है। ठीक है, लेकिन बताने वाला कौन है? एसईओ का बंदा है, बता वो रहा है। अक्सर डेवलपर ये काम नहीं करते, हम उन्हें बताते हैं, यानी कि हमने उसे बताना है कि भाई वेबसाइट को क्या होगा, ये तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, इसको देखें आप, तो इधर सारे मैसेजेस उसको आ रहे होंगे। आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाए फाइनली, बस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं फिर। ये क्या लिखा है? ये जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं अपने आप को निकाल देता हूँ, मैं रिमूव प्रॉपर्टी का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे अकाउंट में से सर्च कंसोल रिमूव हो जाएगा। ये ठीक है, वो उसको काम करता रहेगा इसके ऊपर आगे जाकर। ठीक है, यानी कि ये है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करना हो तो आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं भला? इस वक्त शायद हमने सही बात नहीं की, इसको रिमूव करना है, इस वेबसाइट को यहाँ से रिमूव कर दो, कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है रिमूव प्रॉपर्टी करने से, देखें पता लगे क्या हुआ। गई समझ आ गई ना बात? जैसे आपने बताया था वो वेरीफाई करके मैंने उसको निकाल दिया। हाँ जी, अब इधर आए जरा प्रोजेक्ट्स में आकर देखें, ये वाला है मेरे पास सेल्स वन, देखते हैं इधर क्या हालात है। इसको मैंने ऑनरशिप दी थी ना, इसको भी देख लेते हैं। चलिए 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, मैं देखता हूँ।